अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, जब बर्ड वीक होता है ना, यानी डायरिया हो या मोशन हो, बर्ड को सीप वगैरह हो, तो हम काफ़ी दफ़ा सोचते हैं कि हम सॉफ्ट फूड में क्या चलाएं, यानी सॉफ्ट फूड में कुछ ऐसी चीज़ चलाएं जिसकी वजह से बर्ड पे ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर ना पड़े और मैदा वगैरह भी उसका ख़राब ना हो, मोशन में भी थोड़ी बेहतरी आए, डायरिया में भी बेहतरी आए और सोखड़े में भी थोड़ी सी उसको एनर्जी मिलती रहे। तो कोशिश करें, जो साबुत मूंग होती है ना, यानी दाने वालों से मिल जाती है या दुकान से मिल जाती है साबुत मूंग, एक तो होती है छिलके वाली मूंग, वो नहीं, जो साबुत मूंग होती है ना, ठीक है, वो पूरी दाल होती है, यानी उसका छिलका पूरा चढ़ा हुआ था पूरी दाल के ऊपर। तो कोशिश करें, यह आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ये वाली दाल का इस्तेमाल करें, ठीक है, बॉयल करके, यानी 24 घंटा भिगो, उसके बाद इनको बर्ड्स को दे सकते हैं बॉयल करके। अगर बॉयल करके ना भी दें तो भी आप इनको 24 घंटा भिगो कर, ये नरम हो जाएगी, चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अगर छिलका उतारना चाहें छिलका उतार दें, नहीं तो वैसे ही दे दें, कोई मसला नहीं, इसमें इनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करें इसी तरीके से जो है ना बर्ड्स का ख्याल रखें, क्यों, क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखें तो जाहिर सी बात है वो बर्ड वीक होगा, और सॉफ्ट फूड में अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपको मसला होगा। हर कंडीशन से, हर हिसाब से सॉफ्ट फूड बदलता है, चाहे वो डायरिया हो, मोशन हो, ठीक है, और सोखड़ा हो, हर हिसाब से ब्रीडिंग सीजन में अलग सॉफ्ट फूड होता है। तो कोशिश करें अलग अलग तरीके से चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करें और इस्तेमाल करें, ताकि बर्ड की जान भी बचे और आपको भी फ़ायदा हो।